ग्वालियर चंबल रीजन में भिंड जिले की गोहद सीट से बेहद चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। भाजपा के बड़े नेता पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य चुनाव हार गए हैं। लाल सिंह आर्य को कांग्रेस के केशव देसाई ने चुनाव हराया है, जबकि माना ये जा रहा था कि लाल सिंह आर्य आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा का जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य बड़े नेता हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं और एक खिलाड़ी के रूप में भी उन्होंने खूब काम किया। जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, वहां भी उन्होंने राजनीति की। मजे हुए व्यक्ति हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक हैं, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए हैं। और इस प्रचंड लहर में मोदी का जो प्रचंड लहर चल रही थी, लाडली बहना का वेग था पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसे में चुनाव हारना कई बार खलता है कि क्यों कैसे चुनाव हार गए, ये समझ से परे हो जाती है चीजें। लाल सिंह आर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। केशव देसाई जो कि एक नया नाम था कांग्रेस के लिए, पुराना नाम था लेकिन चुनावी राजनीति में नया नाम था, इसके बावजूद केशव देसाई हार गए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में मान के चला जा रहा था कि बीजेपी परफॉर्म तो करेगी लेकिन कांग्रेस भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर जनता ठान ले तो बड़े बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ सकता है, और यही हुआ है क्योंकि केशव देसाई नए नए चुनावी मैदान में थे और उन्होंने लाल सिंह आर्य जैसे बड़े गद्दापन नेता को पटखनी दे दी है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी जीत भी है। केशव सिंह देसाई को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 67,791 वोट मिले हैं, वहीं लाल सिंह आर्य को 66,488 वोट मिले हैं। इनके जीत हार का बहुत 1,25,000 का अंतर है, लेकिन लाल सिंह आर जो हारे हैं उससे मुझे लगता है बीजेपी को भी झटका लगा होगा। और इस हार जीत के जो बारीक समीकरण है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।